नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लता मंगेशकर अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन, करीब 150 डॉक्टर आंदोलन पर। महंगाई से नागरिकों के साथ गणेश मंडलों पर भी पड़ा आर्थिक असर, गणेश मूर्तियों के दाम 15 से 20 फीसदी बढ़े। और मोबाइल फोन पर अपमानजनक बातें कहने पर छात्रा को पीटा, दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। एनटीपी सालवे मेडिकल कॉलेज और लता मंगेशकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों को अपनी पूरी क्षमता से चिकित्सा सेवाएं देने के बाद भी कम भुगतान किया जाता है, इसलिए नाराज डॉक्टरों ने सोमवार से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यहां मरीजों की देखभाल प्रभावित हुई है, क्योंकि करीब 150 डॉक्टर आंदोलन पर चले गए हैं। एक छात्र जिसने अपनी MBBS की शिक्षा पूरी कर ली है, उसे संबंधित अस्पताल में एक वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में सेवा करनी होगी, तभी उसे मेडिकल की डिग्री मिलती है। इसी बीच सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इंटर्न के रूप में सेवा करने वालों को प्रति माह 11,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि निजी कॉलेजों में 7,000 से 7,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। लेकिन नागपुर के सालवे मेडिकल कॉलेज और लता मंगेशकर अस्पताल के छात्रों को केवल 3,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक साप्ताहिक अवकाश काटने के बाद भी डॉक्टरों को 2,500 ही वेतन मिलता है। रेजिडेंट डॉक्टर ने समय समय पर कॉलेज प्रशासन से वजीफा बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्होंने आखिरकार हड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पिछले 2 महीनों से ये नहीं मिला है। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। डॉक्टरों के और अधिक आक्रोशित होने पर हड़तालियों ने बुधवार को यहां आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वर्तमान में यहां करीब 150 रेजिडेंट डॉक्टर हैं। नागपुर के सदर पुलिस थाना अंतर्गत एक सेंधमारी का मामला सामने आया है, जिसमें वादी अपने परिवार के साथ पुणे गए थे। वापस आने पर उन्हें घर का दरवाजा खुला मिला, जेवरात और लैपटॉप भी घर से गायब था, इसलिए उन्होंने सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी वादी का पड़ोसी ही है, जो कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा था। पुलिस द्वारा आरोपी से चोरी का 2,55,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिरियादी समीर जफरुल परवेज, ये आकाश अपार्टमेंट न्यू कॉलोनी सदर में रहते थे। 9 अगस्त को पूरे घर के परिवार के साथ में पूना में अपने बेटी के घर में गए थे और 21 अगस्त को घर में रिटर्न आए। तब उन्होंने देखा कि घर के सामने का उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर के सभी बेडरूम और हॉल का सामान बिखरा हुआ था और उनके घर से चोरी हुई थी। तब उन्होंने पूरे सामान को देखा, उनके घर से सोने के चांदी के जेवरात और लैपटॉप, ऐसा कुल 2,55,000 रुपये का मुद्देमाल चोरी हुआ था। इस बाबत उन्होंने पुलिस स्टेशन सदर को इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें हमने घरपुरी का गुनाह दाखिल किया था और तुरंत हमने बड़ी घरपुरी होने के कारण तुरंत हमने इसमें तपास पदक को लगा दिया काम में। हमारे तपास पदक के PSI कुनल धोरट, इन्होंने तुरंत आरोपी के बारे में पता लगाया। तब उन्हें मालूम पड़ा कि उसी के एरिया के बाजू में रहने वाला एक अटल घरपुरी का आरोपी है, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। तो उसके मोमिन के तरफ में बारीक वॉच रखा, वो कुछ पैसे खर्च करते हुए नए कपड़े खरीदते हुए दिखाई दिया। इस शक के आधार के ऊपर में हमने जब उसको लाया तो उसने घरपुरी की कबूली दिया है। हमने आरोपी लक्की उर्फ गुजर, उर्फ लोचा, पवित गौरे, मंगलोरी बाजार, पीयूष उर्फ पड्डा, संजय पराते, गोंडवाना चौक, आदिवासी नगर, इनको हमने अरेस्ट किया है। जो है लक्की उर्फ गुजर, गौरे उर्फ लोचा, इसके ऊपर में भी चोरी घरपुरी के पहले के काफ़ी गुने हैं और इनसे हमने घरपुरी में जितना भी माल वहाँ पे चोरी हुआ है, पूरा का पूरा सारा मुद्देमाल हमने 2,55,000 का उनसे रिकवर किया है। अभी आरोपी PCR में है और उन्होंने इसी प्रकार की और कोई घरपुरी या चोरी की है क्या, इसका भी हम लोग तपास कर रहे हैं। इसके ऊपर में सन 2017 से लेके तो अभी तक के
15 चोरी घरपोड़ी के गुन्ने उसके ऊपर में दर्ज है। अमरावती जिले में आज कलेक्टर के माध्यम से 18 नए दुकानदारों को सस्ते अनाज की दुकान का लाइसेंस दिया गया। उन सभी 18 दुकानदारों को खाद्यान्न वितरण कार्यालय के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, उसके बाद उन्हें ई पॉस मशीन भी दी गई। अमरावती जिले में 18 नए सस्ते अनाज दुकान लाइसेंस महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से दिए गए। उन सभी महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रमुखों को आज खाद्य एवं अनाज वितरण कार्यालय द्वारा समुचित प्रशिक्षण दिया गया। इससे पहले इस जिले में सस्ते अनाज की दुकानें हैं, उन सभी सस्ते अनाज की दुकानों में लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण ई पॉस मशीन के माध्यम से किया गया है। जिले में लगभग 80% लाभार्थियों को मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। सस्ते खाद्यान्न के वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय अमरावती शहर यांच्या तर्फे जे नव्याने नियुक्त झालेले जे रास्तभाव दुकानदार होते, 18 रास्तभाव दुकानदारांची नियुक्ती मान्य जिल्हाधिकारी यांनी केलेली आहे। त्या लोकांना या ठिकाणी आज आपण नव्याने त्यांना नियुक्ती दिल्यानंतर प्रथमतः त्यांचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे। आज या प्रशिक्षणामध्ये त्यांना जुन्या रास्तभाव दुकानामध्ये ज्या त्यांच्या मशीन्स होत्या त्या त्यांच्याकडनं घेऊन या लोकांना आपण त्यांच्या वितरित केलेल्या आहे त्यांना मशीन, आणि त्या मशीनवरती काम कसं करायचं आणि त्या मशीन ऑपरेट कशा करायच्या, त्यामध्ये जे आपले जे कार्डधारक आहेत त्यांना धान्य कसं वाटप करायचं यासाठीचं विस्तृत प्रशिक्षण या ठिकाणी त्यांना दिलेलं आहे। त्या प्रशिक्षणामधून ते आज प्रशिक्षित झाले आहे आणि आता पुढचं जे वाटप करतील आपल्या दुकानांमधून ते चांगल्या पद्धतीने करू शकतील अशी मी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि ते चांगले काम करतील अशी पण आपल्याला अपेक्षा आहे। 18 दुकानं आहेत हे सगळे आता महिला बचत गट यांनाच वाटप झालेले आहे, त्याच्यामुळे त्या सगळ्या महिला हे चांगल्या क्षेत्रात काम करणारे बचत गट असल्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी काम करण्यासाठी एक चांगला वाव आहे। बढती महंगाई के मद्देनजर पेंट, मिट्टी, सजावटी सामान और कारीगरों की लागत में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल की तुलना में इस साल गणेश प्रतिमाओं की कीमतों में 15-20% की बढ़ोतरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय मिट्टी की इतनी मात्रा उपलब्ध न होने के कारण 2.5-3 लाख मिट्टी की मूर्तियों की मांग थी, जिससे मूर्तिकारों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 2 साल बाद अब गणेशोत्सव बिना किसी रोक टोक के मनाया जाएगा। जब गणेशोत्सव 10 दिन दूर है तो मूर्तिकारों का 80% काम पूरा हो चुका है। गणेश भक्तों के साथ साथ जनता में भी उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर गणेशोत्सव पर भी पड़ा है। इस वर्ष गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी, पेंट और कारीगरों की लागत में वृद्धि हुई है। मूर्तिकार नितिन इंगले ने कहा कि बढ़ती महंगाई का असर गणेश प्रतिमाओं की कीमत पर भी पड़ा है। पिछले साल गणेशोत्सव पर कोरोना के खतरे को लेकर गणेश भक्तों में उत्साह कम रहा, वहीं मूर्तिकारों ने ये अनुमान लगाकर मूर्तियों को छोटा कर दिया। हालांकि 2 महीने पहले मूर्तियों और त्योहारों पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से मूर्तियों की मांग बढ़ गई है, इसलिए इस वर्ष शहर और जिले के पारंपरिक मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमाओं का आकार दोगुना कर दिया है। इससे बाजार में तरह तरह की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। We'll be right back.
नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और साउजी खाना। और साउजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं साउजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक साउजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के साउजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। जरूरतमंदों को मदद देने वाली संस्था के नाम से मशहूर समर्पण सेवा समिति के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई क्षेत्रों के मान्यवरों ने शिरकत की। कोविड के काल में और उसके बाद भी जरूरतमंदों को मदद करने वाली संस्था समर्पण सेवा समिति ने अपने 4 साल पूर्ण करते हुए 5वें साल में प्रवेश किया। इस अवसर पर माजी आमदार गिरीश व्यास इनके ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्य और दानदाता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्ष गिरीश व्यास इनका सत्कार भी समिति सदस्यों द्वारा किया गया। समिति ने कोविड काल में 6,000 से ज्यादा लोगों को मदद की, साथ ही पूरे समय समिति मेडिकल से जुड़े सामानों को भी जरूरतमंदों को देती है, जिससे अचानक आई बीमारी में लोगों को वो सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी इससे मदद मिलती है। समिति विविध कार्यों के माध्यमों से मानव सेवा का कार्य कर रही है। 2017 में कुछ युवकों के मन में आया कि समाज सेवा के लिए कोई एक संस्था बनानी चाहिए, कौन से दिशा में काम करना है जिससे समाज की सेवा हो। ये जब हमने विचार विनिमय किया, तब मैं, नरेश जुम्मानी, रमेश जी जसोरे, उमेश जी महतो, डॉक्टर महेश तिवारी जी, हम सब लोगों ने तय किया कि कोई तो भी सेवा का कार्य वैद्यकीय क्षेत्र का करना चाहिए। और एक कल्पना है कि मेडिकल बैंक क्यों ना शुरू की जाए। फिर 2018 में हमारी संस्था बनी। तत्कालीन नागपुर शहर के आयुक्त पुलिस माननीय भूषण कुमार जी उपाध्याय इनके हाथ से और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा की उपस्थिति में धनसन लॉन में एक कार्यक्रम हमने किया और इस संस्था का कार्य प्रारंभ हुआ। और इस संस्था के माध्यम से हम लगातार 4 साल से काम कर रहे हैं। इस बीच आपको भी मालूम है कि 2 साल पेंडेमिक थे, कोरोना का पीरियड था। इस कोरोना के पीरियड में भी संस्था ने उस दृष्टि से कार्य किया। हमने लोगों को किट बांटी, अनाज बांटा, हमने लोगों के लिए भोजन भी तैयार किया। लोगों को रोज एक 400-500 लोगों का भोजन हम जगह जगह जाकर बस्तियों में देते। ये सारा काम कोरोना के अंतर्गत किया। वैक्सीनेशन आई तो वैक्सीनेशन भी शुरू की। इस बीच में कुछ इसके अंदर इस किताब का, जिसका आज हमने परिचय पत्र का उद्घाटन किया, विमोचन किया, इसमें है कुछ लोगों को हमने साइकिलें दी, कुछ को सिलाई मशीन दी, कुछ को रोजगार का अवसर लगा दिया, क्योंकि लोगों के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमने पलंग दिए ऑपरेशन के बाद के, कमोड़ दिए, वॉकर दिए, व्हील चेयर दी, हमने सलाइन स्टैंड दिए, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिए, हमने बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे। हमारे गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा हमने बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। हमने डॉक्टर नाकाड़े के हॉस्पिटल में कोविड सेंटर भी समर्पण ने चलाया। और इन सब कामों के माध्यम से समर्पण ने लगातार मेडिकल क्षेत्र के इसमें काम किया है। हमको अपने काम पर अभिमान है कि 4 साल में 6,000 से ज़्यादा लोगों को हमने अपनी सुविधाएँ पहुँचाई है। और इन सुविधाओं का निश्चित रूप से हम सब दानदाताओं के प्रति कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बिना उनके सहयोग के कुछ नहीं होता। हमने एक एम्बुलेंस भी इस कोरोना के काल में खरीदी, जिसमें हमें संदेश परिवार ने भी मदद की, तो हमें प्रकाश वाधवानी ने भी मदद की, किशोर भैया ने भी मदद की, तो हमने भी हमारी तरफ से, मैंने भी कुछ मदद की, और सब लोगों ने थोड़ा ना थोड़ा मदद करके उस 9-10 लाख रुपये की एम्बुलेंस भी आज हमारी सेवा में यहाँ उपलब्ध है। हमारे राकेश गांधी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात एक बॉडी फ्रीजर हमको दिया, जो ज़्यादा काम कर रहा है, लगातार वो लोगों के उपयोग में आ रहा है इस कठिन परिस्थिति में। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग समाधानी हैं, और इतना भी समाधानी नहीं है। अब हमें जगह की आवश्यकता है, हम जगह लेना चाहते हैं, और एक जगह लेकर वहाँ से साहित्य को रख के और हमें एक OPD चालू करके, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मित्र भी जुड़े हैं, डॉक्टर शिरीष जी चांडक हैं, डॉक्टर सुनीता मैडम हैं, डॉक्टर सुरेश चांडक है, डॉक्टर नकुल चांडक है, डॉक्टर राजगिरे मैडम है, डॉक्टर राजगिरे साहब हैं, ये सब मिलके एक OPD भी हम चालू करने वाले हैं जल्दी। कृपाल सिंह हमारे एक सदस्य हैं जो मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, उनके माध्यम से
हम बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लेते हैं। 100-100 लोगों ने हमको कोरोना काल में 2018 में 19 में 20 में लगातार हमने 150-150 बोतलें यहाँ पर इस हॉल के अंदर कलेक्ट करके दी है। तो मुझे लगता है कि सही दिशा में हमारा NGO जा रहा है और मैं दानदाताओं से आग्रह करूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रामाणिक सेवा करने वाली इस समर्पण सेवा संस्था को आप भी जानिए, हमारे साथ जुड़िए, कार्यक्रम की जानकारी लीजिए, लाभार्थियों से परिचय करिए और फिर जो आपकी शक्ति हो इस संस्था को और आगे सेवा में बढ़ाने के लिए मदद करें। हमारा उद्देश्य आने वाले दिनों का कि हम नागपुर की 6 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी 6 ब्रांचेस चालू, हम बहुत आने वाले 2022-23 में हमारा कोर कमेटी का निर्णय कि 22-23 में हम 6 विधानसभा में हमारे 6 ब्रांचेस चालू करेंगे, वहाँ के लोग उस क्षेत्र के लोगों को मदद करेंगे, केवल एक जगह हम मदद नहीं करेंगे, इसको और विस्तार करने का हमारा इरादा है। जो लोग इस संस्था में काम करना चाहते हैं वे हमारे पास आएँ, संपर्क करें, बातचीत करें, उनके बारे में जानकर हम उनको भी जिम्मेदारी देके मदद भी देंगे, इतना ही आपके माध्यम से कहते हैं। आज के वर्धापन दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समर्पण सेवा समिति पिछले 4 वर्षों से जो कार्य कर रही है वो संपूर्ण नागपुर वासियों के सामने है। समर्पण सेवा समिति ने पिछले 4 वर्ष पहले जो एक छोटा सा पौधा लगाया था उन्हें सभी सदस्यों ने सींच करके एक वृक्ष का रूप दिया। उस वृक्ष ने नागपुर के अंदर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उस पहचान को एक संभालने का अस्तित्व जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर में है, समर्पण सेवा समिति ने सदा अपना दायित्व निभाया। समर्पण सेवा समिति ने एक छोटे से मेडिकल बैंक का लोकार्पण किया था, लोगों की जरूरतों को देखते हुए उसे एक विशाल रूप दिया, जिसका लोकार्पण आज से 4 वर्ष पूर्व संस्था हमारे संस्था ने किया एवं उस समय CP भूषण कुमार जी उपाध्याय, वेद प्रकाश जी मिश्रा ये उस समय मुख्य अतिथि थे जिनके हाथों से ये शुभारंभ हुआ और वो आज तक निरंतर चालू है। लोगों को समर्पण सेवा समिति मेडिकल बैंक के दायित्व से सामग्री उपलब्ध कराती है, निःशुल्क देती है, पलंग, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, एयर बेड, कमोड चेयर, ये सारी चीज़ें जरूरतमंद पेशेंटों को घर पर उपलब्ध करा करके देना और उसे पुनः उसकी ज़रूरत समाप्त होने के बाद में मेडिकल बैंक में वापस जमा कराना। पिछले 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल के अंदर में जब शहर की स्थिति नाजुक थी, संपूर्ण देश में हाहाकार मचा था, ऑक्सीजन की कमी थी, समर्पण सेवा समिति ने उस समय एम्बुलेंस एक ली ताकि पेशेंट जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे, निशुल्क एम्बुलेंस चलाई, ऑक्सीजन की कमी थी उस समय में समर्पण सेवा समिति ने ऑक्सीजन खरीदे, लोगों को निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर प्रवाहित किए। इस समय जब देश बंद था, ऐसे में गरीब परिवारों में जब नवजात शिशुओं ने जन्म लिया, दुकानें बंद थी, जरूरतमंद परिवारों को सामग्री की आवश्यकता थी, जो नवजात शिशु जन्मे उनको लगने वाले आइटम्स जो निप्पल होती है, बॉटल्स होती है, बच्चों के बेबी फ्रॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उस समय मिलने के लिए कठिनाई जा रही थी क्योंकि संपूर्ण देश बंद था, लॉकडाउन था। ऐसे में समर्पण सेवा समिति ने ऐसे कई गांवों में जाकर के जहां पर नवजात शिशुओं ने जन्म लिया उन्हें वो सारी चीज़ें दिया। दुकानें बंद थी, जरूरतमंद परिवारों को सामग्री की आवश्यकता थी, जो नवजात शिशु जन्मे उनको लगने वाले आइटम्स जो निप्पल होती है, बॉटल्स होती है, बच्चों के बेबी फ्रॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उस समय मिलने के लिए कठिनाई जा रही थी क्योंकि संपूर्ण देश बंद था, लॉकडाउन था। ऐसे में समर्पण सेवा समिति ने ऐसे कई गांवों में जाकर के जहां पर नवजात शिशुओं ने जन्म लिया उन्हें वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा के दी। उस समय उन परिवारों को खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे उन्हें ईश्वर परमात्मा स्वयं मिल गया हो, ऐसा कार्य समर्पण सेवा समिति ने किया। ये हुई कोरोना काल की बात, उसके बावजूद समर्पण सेवा समिति लगातार ये कार्य कर रही है। इसके अलावा दिवाली पर पर्व पर आदिवासी गांव में जाकर के दिवाली मनाना,
ठंड के मौसम में आदिवासी गांवों के अंदर में ब्लैंकेट का वितरण करना, ऐसे कई आयोजन समर्पण सेवा समिति करती है। गर्मी के मौसम में दुपट्टे का वितरण करना, शीतल पेय का वितरण करना आदि वस्तुएं इस पॉम्पलेट में हमने आज दर्शाई है, जिसका विमोचन हमने आज किया। यह विमोचन इसके अंदर में कुछ जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज पॉम्पलेट के अंदर में दर्शाई गई है। कार्य तो अनेक किए लेकिन अनेक कार्य हम बता नहीं सकते, जो इस पॉम्पलेट के अंदर में मुख्य कार्य आए वो सब हमने इसमें प्रकाशित किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी शहरवासियों जनता को ये सूचना देना चाहेंगे कि समर्पण सेवा समिति जो मेडिकल बैंक चलाती है उसका जो आप लाभ ले रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार जन जन तक पहुँचे ताकि अधिक लाभान्वित इस समर्पण सेवा समिति द्वारा हो सके। महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते गट प्रवर्तक संगठना आईटेक संगठना द्वारा आज जिला परिषद पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने मोर्चा निकालकर विभिन्न मांगे रखी है, जिसके बाद महिलाओं द्वारा आरोग्य अधिकारी को निवेदन भी दिया गया। इस वक्त महिलाओं ने बैनर्स के साथ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी अनेक मांगों को जिला परिषद के सामने रखा। आपल्या मागण्या आहेत, आपल्या शासनाबरोबर तर आहेतच की केंद्र सरकारने 2018 पासून आपल्याला 1 रुपयाची वाढ दिलेली नाही, आणि राज्य सरकारने जी वाढ दिली आहे ते पण अत्यंत कमी आहे, त्याच्यावर आपला उदरनिर्वाह चालणार नाही। आणि त्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारला इथून आपल्या शासनाला जिल्हा परिषदेच्या मार्फत जिल्हा आरोग्याच्या मार्फत माहिती द्यावी, मुख्यमंत्र्यांना माहिती द्यावी, आरोग्यमंत्र्यांना माहिती द्यावी, यासाठी हा मोर्चा इथं आलेला आहे। आणि या तालुक्यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये होणारा अन्याय जिल्हा परिषदेकडून अशा गट प्रवर्तकांना होत आहे, 2-4 महिने पगार मिळत नाही आहे, आणि त्यांना जो राज्य सरकारचा 2021 मध्ये लागू झालेला वाढीव मोबदला आतापर्यंत गट प्रवर्तकांच्या आणि आशांच्या खात्यात काही काही तालुक्यामध्ये अजून गेलेला नाही। आणि जेव्हा आपण संघटनेच्या लोक विचारायला जातात, एक दोस्त के साथ मोबाईल फोन पर चॅट करना छात्रा को महंगा पडा। साकोली के एक स्कूल के एक छात्रा की 2 युवकों ने पिटाई की। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने दोस्त से मोबाइल पर चैट कर रही थी। 23 अगस्त मंगलवार को इन युवकों ने स्कूल जाकर चैटिंग में मानहानिकारक बात कहने पर छात्रा को पीटा। भारत सरकार ने मुझे काम करने के कई मौके दिए, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए सभी मामले महत्वपूर्ण थे, मेरे ऊपर चाहे जितने भी आरोप लगे मैं केवल संविधान का पालन करता हूँ। ऐसी प्रतिक्रिया एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने दी, वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशिम आए थे। भाजपशी आपण संलग्न कार्यकर्त्याशी किंवा भाजपच्या लोकांशी आपण संलग्न जवळी काय? आय एम अ मॅन ऑफ लॉ, आय एम अ मॅन ऑफ लॉ, मी फक्त संविधानला मानतो। सर, आपके परिवार से कोई वाशिम जिले में राजनीति में एंट्री करने वाला है? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो एक मैं भारत का छोटा सा सेवक हूँ और सेवा हर रूप में करते आऊंगा। सर, तुमच्यावर जे आरोप करणारे होते नॉर्मली ते आता इरिजा जेलात नाही जाऊन तुम्ही बाहेर नेमकं याच्यात आपल्याला कसं त्या व्यक्तीबद्दल मला काहीच भाष्य वगैरे करायचं नाही। बाबतीचा विषय तुमच्या दृष्टिकोनातून संपलेला आहे? मला त्याच्या जे ज्यांनी जे काय खालच्या लेवलचे आरोप केले आहेत माझ्यावरती त्या व्यक्तीबद्दल मला अजिबात काही नाही सांगायचं। तुमच्या दृष्टिकोनातून लोकांना मतभेद शून्य, मला त्याच्याबद्दल काही टिप्पणी नाही करायची। परत महाराष्ट्रात काम करण्याची इच्छा आहे? मला भारतामध्ये कुठेही पाठवणार, एक डिसिप्लिन सोल्जर असल्यामुळे मी कुठे पाठवणार। सर, आरे ठाकूर दिल्लीची न्यायालय
जैसा मैंने आपसे कहा है कि न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में, तो उसमें क्या कोई टिप्पणी नहीं कर सर मग तपासात काही कमी जास्त झाल्या असेल, जेव्हा त्याला क्लीन चीट मिळते आपण त्यांच्यावर कारवाई केली आर्यन खानवर आणि नंतर कोर्टाकडून त्यांना सरळ सरळ क्लीन चीट मिळते का? ते आता कार्यरत पण नाही मी एनसीबीमध्ये, आता कॅम्प त्यामध्ये काही टिप्पणी करणं पण बरोबर नसतं. काही दबाव वगैरे आला होता का तुमच्यावर त्यावेळेस, राजकीय दबाव किंवा ऑफिशियल दबाव? मी फक्त हे सांगू इच्छितो की मी फक्त आपला जसं सांगितलेलं आहे संविधान आणि ऍक्ट ते फक्त. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.